जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे बिजनेस के बारे में बताने वाला हूँ जिसमें आपको लाखों रुपए की अर्निंग होने वाली है और साल के 12 महीने आप इससे लाखों रुपए कमा सकते हो। एक ऐसी मशीन आपको बताने वाला हूँ जिससे आप एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 10 से 15 तरीके के प्रोडक्ट बना सकते हो और आपका माल इतना ज़्यादा रेडी हो जाने वाला है कि आपको मजदूर कम पड़ जाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, इस मशीन को आप लगा करके साल के 12 महीने लाखों रुपए की अर्निंग कर सकते हो। आज मैं आपको डायरेक्टली विजिट करा रहा हूँ कंपनी के ऊपर, आपको मशीन का लाइव डेमो दे रहा हूं। वीडियो मिल रही है आपको रॉयल फूड प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग की तरफ से, और अगर आप सोच रहे हैं पोटेटो स्लाइसर मशीन लेने की, तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है मशीनों की। पर अगर आप लघु उद्योग स्टार्ट करने की सोच रहे हैं तो तरह तरह की मशीनें यहाँ पे तैयार होती है। आइए जानते हैं आज पोटेटो स्लाइसर मशीन के बारे में, कितने की ये मशीन आती है, कैसे इस बिजनेस से आप लाखों लाख रुपए महीने के कमा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं साबिर खान, रॉयल फूड प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग मशीन से। दोस्तों, पोटैटो चिप्स के प्लांट लगाने में आपको 7 से 8 मशीन की जरूरत पड़ेगी जी। ये सारी मशीनें हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, सिंगल फेस मशीन होती है। आप इनको अपने घर पे या किसी साइड पे आप लगा करके पोटैटो चिप्स का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इसको सिंगल फेस पे आप चला सकते हैं। इसको लगाने के लिए आपको 4 से 4.5 लाख रुपए की कॉस्टिंग आती है, और इसको लगाने के लिए आपको 1000 स्क्वायर फीट जगह की जरूरत पड़ेगी। आपको मशीनरी से ट्रेनिंग के लिए बंदा, मशीनरी हो गई, रॉ मटेरियल हो गया, फ्लेवर हो गए, और किसी को अपना ब्रांड बनवाना है या रैपर लेना है, वो भी हम आपको सारी प्रोवाइड करवाने वाले हैं। कंप्लीट आप समाधान करके देते हैं, पूरा कंप्लीट सेटअप आपका हम बैठाने वाले हैं। ओके, तो अगर सर लगाता है कोई 4-5 लाख रुपया, तो कितना इसमें आमदनी और कितना स्कोप है मार्केट में? देखिए, पोटैटो चिप्स देखो, बच्चों से लेकर बड़ों तक के सबकी पसंद होता है। बिल्कुल, पोटैटो चिप्स बिजनेस लगा करके आप घंटे का 2 से 2.5 हजार रुपए का आप आराम से कमा सकते हैं। अगर दिन की बात करें तो आप 8 से 10 हजार रुपए आराम से पर डे कमा सकते हैं। क्या बात है, यानी नौकरी छोड़ो बिजनेस करो कुल मिलाकर। बिल्कुल सर। तो आप जो सर बैकअप सपोर्ट की मेन दिक्कत होती है, लोग मशीन ले लेते हैं फिर लगता है यार जो है सपोर्ट नहीं मिल रहा, मशीन काम नहीं कर रही या कुछ दिक्कत आ गई, तो उसके लिए क्या है? दोस्तों, हमारी मशीनों की 1 साल की वारंटी होती है। इंडिया में आप किसी भी कोने पे आप लगाइए, वहाँ पे आपको सर्विस प्रोवाइड की जाएगी। उसके बावजूद भी कोई प्रॉब्लम आती है तो जाहिर सी बात है कि हम फोन पर सॉल्यूशन देने की कोशिश करते हैं। अगर फोन से नहीं हो पाता है तो हम फिर बंदा भेजते हैं आपके पास। तो बाहर के कस्टमर जो देख रहे हैं सर, वो कैसे बुक कराया और पेमेंट वगैरह का क्या है प्रोसेस? देखिए, अगर बुक किसी बुक कराना है तो आप कंपनी के करंट अकाउंट में आप अपना टोकन करा सकते हैं। अगर आप एक बार आके कंपनी विजिट करना चाहते हैं तो आपको दिल्ली आना पड़ेगा, न्यू दिल्ली। वहां से आपको मेट्रो मिलेगी नोएडा सेक्टर 16 के लिए, वहां से ऑटो लेके आप सीधा हमारी कंपनी आ सकते हैं, A35 सेक्टर 10 नोएडा। वहां पे आप मीटिंग करके मशीनें देख सकते हैं, ट्रायल ले सकते हैं, और जैसे पसंद आए अपने हिसाब से बुक करा सकते हैं मशीनों को। ग्रेट। तो अगर आप सोच रहे हैं इस तरह का प्लांट लगाने की, तो चलिए एक एक करके सर दिखाते हैं। जी बिल्कुल, चलिए आपको एक एक मशीन ट्रायल कराते हैं। जो हमने पोटैटो डाला था वो बिल्कुल हमारा छिलका बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसको हम अपने नेक्स्ट प्रोसेस में यानी स्लाइसर मशीन में डाल करके इनको स्लाइस कर लेते हैं। ये हमारी स्लाइसर मशीन है, इसकी कैपेसिटी 1 घंटे में 300 kg है, और इसे 3 तरह का चिप्स हमारा काटेगी, लाइनिंग वाला, प्लेन और जिगजैग। तो अभी हमने इसमें लाइनिंग वाली डाई लगाई हुई है, तो लाइनिंग वाली हम इसमें स्लाइस काट के आपको दिखाते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ये पोटैटो हमारे इस तरह से इसमें डालते रहते हैं और ये हमारे चिप्स बना के निकालती रहती है। ये रनिंग मशीन है, इसमें सिर्फ आप डालते रहिए, ये हमारा काट के निकालती रहेगी। सुपर फास्ट मशीन बोलते हैं इसको, 1 घंटे में 300-400 kg आलू को काट करके हमको दे देती है ये मशीन। ये थकती नहीं है, डालने वाला बंदा थक जाता है, ये नहीं थकती है। दोस्तों, जैसे कि मैं थक गया हूँ, ये दूसरा बंदा डालना इसमें स्टार्ट कर रहा है। देखिए कितने बेहतरीन क्वालिटी के इसमें चिप्स कट के हमारी बाहर निकल चुकी है। देखिए एक एक स्लाइस बिल्कुल अलग अलग है, बढ़िया क्वालिटी बनकर निकल चुकी है। अब इसको हम नेक्स्ट प्रोसेस में लेके चलते हैं। जैसे कि आपने देखा है पोटैटो है, इसमें स्टार्च है। अब इसको हम वॉश करते हैं स्लाइस को, तो इसमें जो भी वो स्टार्च होगा ज़्यादातर मात्रा में निकल जाएगा, फिर इसको हम डायरेक्ट फ्राई में लेके चलते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, जो हमने स्लाइस को वॉश किया था, अभी इसमें पानी की मात्रा है, तो इसको ड्राई करने के लिए हम ड्रायर मशीन का इस्तेमाल करेंगे। अब सारी स्लाइस को उठा करके हम चिप्स को ड्रायर मशीन में डाल देते हैं। यहाँ पे क्या होगा, इसको करने के बाद जो इसमें एक्स्ट्रा पानी होगा वो सबको निकाल देगा और इसको ड्राई कर देगा। तो चलिए दोस्तों इसको करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों ड्रायर मशीन स्टार्ट हो चुकी है। अब जो एक्स्ट्रा पानी की मैं बात कर रहा था वो इस तरह से निकल के हमारा बाहर आ जाता है और हमको ड्राई पोटैटो स्लाइस हमको ड्राई बिल्कुल मिलेगी। 1 से 2 मिनट का इसमें मैक्सिमम टाइम लगेगा, क्योंकि ड्राई ज़्यादा किया जाता है इसको, वरना ये बढ़िया क्वालिटी का फ्राई नहीं होता फिर, इसलिए इसको ड्राई थोड़ा ज़्यादा किया जाएगा। जितना भी एक्स्ट्रा पानी इसमें होगा, मॉइस्चर होगा, सबको निकाला जाएगा इसका। हमारा बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अब इसको निकाल करके हम सीधा अपने फ्रायर मशीन में लेकर चलते हैं, वहां पे इसको फ्राई किया जाएगा। तो दोस्तों इसको निकालते हैं बाहर।
ये देखिए बिल्कुल ड्राई स्लाइस बिल्कुल रेडी है। ये देखिए बिल्कुल ड्राई है, अब इसको सीधा फ्रायर मशीन में जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। दोस्तों जो आपने देखा हमने स्लाइस को ड्राई किया था, अब ये हमारा फ्राई करने के लिए बिल्कुल रेडी है। ये हमारा फ्रायर मशीन है, इसमें कोई भी आइटम आप फ्राई कर सकते हैं, नमकीन कुरकुरे या चिप्स ये आइटम इसमें फ्राई हो जाते हैं। अब इसको हम फ्राई करते हैं चिप्स को। ये फ्रायर हमारा रेडी हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है, इसमें चिप्स हमने डाल दिया है, हमारा फ्राई हो रहा है। स्लाइस हमने फ्रायर में डाली थी वो फ्राई हो रही हैं। चिप्स को फ्राई करने में मैक्सिमम 3-3.5 से 4 मिनट का टाइम लगता है, उतने टाइम में हमारा ये पोटैटो स्लाइस हमारा फ्राई होता है। तो अभी हमने इसमें डाला है, अब इसमें थोड़ा सा टाइम है फ्राई होने के लिए। जैसे फ्राई होगा इसको सीधा निकाल करके हम अपने टैब में इकट्ठा कर लेंगे। जो चिप्स हमने फ्रायर के अंदर डाला था वो हमारा फ्राई हो चुका है, अब चिप्स को हम अपने को बाहर निकाल लेते हैं। निकाल देंगे ये पोटैटो चिप्स हमारा रेडी हो चुका है, अब इसको लेकर के हम सीधा चलते हैं अपने कोटिंग पैन मशीन में। वहाँ पे इसमें हम अपने हिसाब से चटपटा है खट्टा मीठा जैसा भी इसमें फ्लेवर चढ़ाना है वो फ्लेवर इसमें चढ़ा देते हैं। दोस्तों जो चिप्स हमने फ्राई करा था अब उसको उठा करके हम सीधा अपने कोटिंग पैन में डाल देते हैं। ये हमारी फ्लेवर मशीन है, इसमें हमको जैसा फ्लेवर चाहिए उस तरह का इसमें चढ़ जाएगा। तो इसको डालते हैं और इसमें फ्लेवर चढ़ाते हैं और इसके पैकेट हम तैयार कर लेते हैं। तो दिखाते हैं किस तरह से हमारी पैकिंग मशीन वर्क करती है, क्या इसकी कैपेसिटी है, क्या लड़ी निकालती है, कैसे हवा भरती है, सारे फंक्शन आ जाए इसको हम वर्क करके दिखाते हैं। प्रोडक्ट हमने डाल दिया है, अब दोस्तों हम पाउच पैकिंग मशीन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा प्रोडक्ट हमने हॉपर में डाल दिया है, अब मशीन को हम स्टार्ट कर देते हैं। हमने इसमें जिस भी हिसाब से मान लो 50 ग्राम के हिसाब से इसमें कप लगाया हुआ है तो 50 ग्राम ही ऑटोमेटिक हमारा पैक करके निकालती रहेगी। तो ये हम मशीन को स्टार्ट कर देते हैं। मशीन हमारी स्टार्ट हो चुकी है, लड़ियाँ बननी स्टार्ट हो चुकी हैं। मशीन में जैसा भी प्रोग्राम हम डालते हैं उस तरह का ये वर्क करती रहती है। हमको हमारी मशीन 10 ग्राम से 250 ग्राम तक के पैक करेगी, 1 घंटे में 1800 पाउच निकालेगी और पाउच में एयर भरेगी, लड़ी बनाएगी, प्रोडक्शन काउंटिंग करेगी, पाउच की एयर भर के लड़ी बना के निकालती रहेगी। एमआरपी डेट हो गया, बैच काउंटिंग हो गया, प्रोडक्शन काउंटर हो गया, नाइट्रोजन फ्लैशिंग हो गया, इस तरह की लड़ियाँ बनाकर निकालती रहती है। फुल्ली ऑटोमेटिक पाउच पैकिंग मशीन है ये, इसमें कोई भी आइटम पैक कर सकते हैं, जैसे कि आप नमकीन कुरकुरा चिप्स पप चाय की पत्ती मसाले कोई भी आइटम आप इसमें ये पैक करके निकाल सकते हैं। इन मशीनों को आप ऑल इंडिया में कहीं भी मंगा सकते हैं, हमारे पास पूरी ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था है। ऑल इंडिया, इंडिया से बाहर आप कहीं भी इनको मंगा सकते हैं। हमारी कंपनी का एड्रेस है, आप इंडिया में अगर विजिट भी करते हैं हमारी कंपनी को तो आप इंडिया में कहीं से भी आते हैं तो आपको न्यू दिल्ली आना है, वहाँ से आपको मेट्रो मिलेगी, मेट्रो से आपको रिक्शा लेकर सीधा हमारी कंपनी आना है, रॉयल फूड प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग मशीन A35 Sector 10 नोएडा। वहाँ पर के आकर के आप सीधा हमसे मीटिंग कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, सारी मशीनों की जानकारी ले सकते हैं और अगर मशीन पसंद आए तो आप अपनी मशीनें बुक कर करके आप कहीं भी इनको ट्रांसपोर्ट करा सकते हैं।